नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्थानीय लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समाधान शिविर में 141 शिकायतें आई। इन शिकायतों में अधिकतर शिकायतें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की आई, जिनकी संख्या 82 रही, जबकि नगर निगम कार्यालय की 22 शिकायतें आई। समाधान शिविर में पुलिस विभाग की 7 शिकायतें, जन स्वास्थ्य विभाग की 4, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 3-3, DDPO जिला शिक्षा अधिकारी और जिला राजस्व विभाग से संबंधित 2-2 शिकायतें, नगराधीश, BDPO, CEO जिला परिषद, CMO, ALC, DM हैफेड, चुनाव तहसीलदार, GM रोडवेज, HKRN एम्प्लॉयमेंट, HP, CB, SDM महम सांबला और तहसीलदार कलानौर से संबंधित 1-1 शिकायत प्राप्त हुई। इस दौरान उपायुक्त अजय कुमार ने सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समस्याओं के समाधान के बारे में दिशा निर्देश दिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। कितने लोगों की अभी तक समस्या, किस किस तरह की समस्या? सरकार की हिदायतानुसार प्रतिदिन जिला लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर समाधान शिविर 9 से 11 लगाया जा रहा है और इसमें डेली बेसिस पे 100-125 कंप्लेंट्स हमारे पास रिसीव हो रही हैं। कल तक का डेटा जो था उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास रिसीव हुई थी और उसमें से 40% का डिस्पोजल जो है वो सेम डे या नेक्स्ट डे तक कर दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो हमारी कंप्लेंट्स रिलेटेड हैं वो परिवार पहचान पत्र, उसमें इनकम करेक्शन या इनकम को दोबारा चेक करके उसको रीअसेसमेंट की करने के लिए आती हैं। सिमिलरली जो हमारी पेंशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं या इसके अतिरिक्त हमारी राशन कार्ड से रिलेटेड समस्याएं, वो भी PPP लिंक्ड हैं, तो उस तरह की समस्याएं भी रिसीव हो रही हैं। साथ ही साथ हमारी जो प्रॉपर्टी ID में कोई मॉडिफिकेशन हैं, कोई करेक्शन हैं, उसके रिलेटेड समस्याएं जो हैं, ऑलमोस्ट ये दोनों को मिला के 60% समस्याएं से रिलेटेड हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी हमारे सिविक एमिनिटीज हैं शहर की या विलेज लेवल पे कुछ इंक्रोचमेंट रिमूवल की समस्याएं हैं या बेसिक फैसिलिटीज से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो हमारे पास रिसीव हो रही हैं और इसके लिए जो है विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी समस्या तो शॉर्ट टर्म की है तो विद इन 3-4 डेज हमारे पास उसका निदान करके रिपोर्ट दे दी जाए, जो मीडियम टर्म की है तो अकॉर्डिंगली जितना समय उसमें लगना है वो इंटरिम रिप्लाई में हमें बता दें कि इसमें 15 दिन का समय लगना है या 3 वीक्स का समय लगना है, और जो लॉन्ग टर्म की हैं जिसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, कोई एस्टिमेट बनाने हैं, तो उसके बारे में भी जो रिपोर्ट एक बार रिसीव हो जाएगी तो संबंधित विभाग को उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाएंगे। काफी लोगों को पता नहीं है इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है, जो योजना का लाभ लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं क्या उनको कहना चाहिए? इसमें रेगुलर बेसिस पे हमारे DPRO के माध्यम से प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनके थ्रू भी ये मैसेज अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल कर रहा है कि समाधान शिविर में ही आके आप इमीडिएट बेसिस अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। इनिशियल 1-2 दिन में जो कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी वो डबल डिजिट में थी, उसके बाद से लगातार हमारे पास जो है 125-150 के आसपास कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं एंड आई थिंक अब जो मैसेज है वो जनरल पब्लिक में पूरे जिले में है कि समाधान शिविर में पहुंच के अपनी समस्या जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।